तो बेटी भी नहीं मिलेगी और शायद हमको लग रहा है रोजगार भी नहीं मिलेगा। सर इतने दिन हो गए एक मंत्री हमारे यहाँ नहीं आ और आज पीसीएस फलाहार के नाम से ठेला लगा रहा हूँ सर। जब 9 तारीख को होंगे तो किस दिशा से कितने युवा आएंगे ये सरकार गिनती लगाना मुश्किल हो जाएगी। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है। श्रवण जी सबसे पहले तो बताइए कि बेरोजगारी जो है बड़ी रफ्तार से बढ़ रही है, चीते की रफ्तार से बढ़ रही है। मान लिया जाए बेरोजगारी का अगर बिलन आप मानते हैं मध्य प्रदेश में तो किसे मानेंगे? जी देखिए सबका जिम्मेदार शासन है। शासन हमें सरकारी 4 साल हो गए, 17 के बाद वैकेंसी नहीं आई पटवारी की ना कांस्टेबल की ना एसआई की। निराशा है, हताशा है, कभी कभी लगता है खुदकुशी कर लें, पर परिवार का जब सामने चित्र सामने आता है तो आत्मा हमारी बहुत व्यथित होती है। मैं बहुत परेशान हूँ, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर जाति से भी हैं और वर्ग से भी हैं और कमज़ोर परिवार से भी हैं। तो क्या किया जाए बताइए, क्या करें, कोई हल है आपके पास? हैं बिल्कुल मतलब टूट चुके हैं। 2019 का गलती से मेंस प्री निकल गया तो मेंस लिख दिए तो वो आज भी मेंस का पता नहीं कहाँ गया है, मेरे को समझ में दिख ही नहीं रहा कहीं। तो वो 15 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों जैसे गायब हो गया मेंस भी। हैं पीएससी आयोग अलग अपना संविधान चला रहा है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, बेरोजगार व्यथित हैं। मैं बताइए, आप खुद बताइए, मैं जबलपुर से आया हूँ यहाँ, 8,000-10,000 का खर्चा लगता महीने का। पिताजी किसान हैं, बहुत छोटे किसान, सीमांत किसान हैं। हैं मेरी आत्मा व्यथित है और मैं अंदर अंदर बहुत रो रहा हूँ। और ये भाइयों ने जैसे मध्य प्रदेश सत्याग्रह चलाया है तो इससे कुछ मनोबल हमारा मजबूत हुआ है, शायद भविष्य में कुछ हो जाए। 27 साल का हो चुका हूँ, ब्याह शादी की उम्र, ब्याह जो हमारे गाँव में शादी ब्याह की उम्र है वो भी निकलने को है, तो बेटी भी नहीं मिलेगी और शायद हमको लग रहा है रोज़गार भी नहीं मिलेगा। तो क्या बोलें सर, आपने प्रश्न पूछ के अच्छा हुआ आप हमारे साथ आए, आपने बात रखी, बाकी कुछ मत पूछिए। अब आत्मा बहुत अंदर ही अंदर से बहुत व्यथित है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अब पता नहीं क्या होता है। हर दिन आपका जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अंदर से मन बड़ा आपका व्यथित है, तो ऐसे समय में जब रोज़गार नहीं है कैसे आपका दिन गुजरता है, कैसा वो लगता है, जरा वो एहसास आप दर्शकों के साथ साझा करें। और शायद कोई नेता मंत्री गलती से अगर देखे तो उन्हें भी पता चले कि किस स्थिति में जो है मध्य प्रदेश का युवा। सुबह उठते हैं जब तो नहाते धोते हैं, फिर मम्मी का फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं तुम पढ़ ही रहे हो, 3 साल हो गए बेटा इंदौर में, इतना पैसा लग रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं मम्मी अभी वैकेंसी आएगी। फिर शाम को पापा का फ़ोन आता है, शाम ढलते ही बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो, वही बातें होती हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया। बोलते हैं कब तक पढ़ाएंगे तुमको, 26-27 साल के हो गए सर, बोझ हो गए घर परिवार पे। हैं वो तो ठीक है चल रही है रोजी रोटी, कैसे चल रही है, लेकिन ठीक है वो अपनी मेरी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मैं आपको बता के वो नहीं करना चाहता हूँ ना मैं वो करना चाहता, लेकिन मेरी समस्याएं सबकी हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत सबकी समस्याएं हैं। रोजगार दीजिए, बेवकूफ़ मत बनाइए मुख्यमंत्री जी, आप बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं। 14-15 साल से आप सीएम हैं, कुछ नहीं किया आपने युवाओं के लिए, आपने किया अपने बेटों के लिए, आपने किया अपने परिवार के लिए, आपने किए हैं बहुत सारे घोटाले और उनका राज आएगा सामने धीरे धीरे, व्यापम का भी टम्पर का भी। तो आप युवाओं के साथ छल मत कीजिए, ये युवा आपको जित सीएम बनाया है तो मिटाएंगे भी, सीएम पद से हटाएंगे भी आपको। हमारा जो संगठन खड़ा हुआ है इसको आप सपोर्ट कीजिए। सर इतने दिन हो गए एक मंत्री हमारे यहाँ नहीं आया, इनको चीता की चिंता है, चीता का नाम क्या रखना है इनको ये चिंता है, लेकिन उनको ये चिंता नहीं है कि यहाँ भांजे भांजियाँ इतने दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, हम कैसे एक एक हमें पॉकेट मनी जो मिलती है यहाँ पे खर्चा करने की हम वो यहाँ पर दे रहे हैं, हमारी भी चिंता करनी चाहिए इन्हें। क्या नाम है आपका? तेज कुशवाहा सर। ये बताइए कि अगर हम खबरों को देखें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है चीता की चिंता करते हैं, रोजगार पर बात करते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता, तो क्या ऐसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन पाएगा? सर आत्मनिर्भर युवा को बनाना है सबसे पहले, क्योंकि युवा ही किसी राज्य और किसी देश की जान है, और अगर युवा ही आत्मनिर्भर होगा तो वो राज्य कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। तो आज चीता जरूरी है पर सही चिंता आज युवा की होनी चाहिए। चीता की आप मतलब जो आप चीता लाए हैं उसकी आप चिंता करिए अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़रूरी है कि आज अपने देश अपने राज्य के जो भविष्य है, जो स्टूडेंट हैं बेरोज़गार, जो आपके भांजे भांजियां हैं उनकी आप चिंता करें। और आज स्थिति ये है कि सर हमें खुद MPPSC 2019 का मेंस लिखा, 2020 का लिखा, 2021 का, और आज PCS फलाहार के नाम से ठेला लगा रहा हूँ सर, और ये स्थिति आ गई है। और यहीं भोला राम उस्ताद मार्ग में कि अपना खर्चा चल सके, और उसी से हम लोग 4 भाई हैं, वो काम करके पढ़ाई करते हैं, 10 बजे तक काम करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो सर पूरा बेरोज़गार इतना परेशान है, युवा इतना परेशान है कि उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिए है सरकार ने। अगर आप क्लियर कर सकते हैं वैकेंसी तो हम लोग को
टाइम बताइए और उस टाइम पीरियड में हम लोग की वैकेंसी को क्लियर करिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम बेरोजगार से अपना आत्मनिर्भर बने, स्वयं हम काम कर लेंगे। हम सरकार के इस जो जुमलेबाजी है इससे परेशान हो गए हैं और इस जुमलेबाजी से हम लोग बाहर आना चाहते हैं। जो हो सके तो आप क्लियर करिए। और हमारा जो सत्याग्रह, इस सत्याग्रह में यही है कि आप भर्ती दीजिए जो पोस्ट खाली हैं, जो आप 3 लाख सुपर पोस्ट खाली हैं उनको भरिए। और आप जो टीचर की वैकेंसी है जो व्यापम से आप भरना चाहते हैं, नाम परिवर्तन का कर देते हैं, लेकिन नाम के साथ उसके चरित्र को परिवर्तित करिए, भ्रष्टाचार से मुक्त करिए राज्य को और अपने उत्तरदायित्व को समझिए। और ये भांजे और जो भांजे हैं आपके परेशान हैं, जिनके परेशानी को सुनिए, यही मामा से विनती है और यही सत्याग्रह का पूरा एम भी है और हम लोग का प्रयास भी है कि भर्ती क्लियर हो मध्य प्रदेश। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू का मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ और राधे जाट मेरा नाम है। और आगे की जो रणनीति है, जो आज एक सरकार द्वारा एक फिर एक नया लॉलीपॉप फेंका गया और छात्रों को जो उलझाने की कोशिश की है MPPSC के माध्यम से, और छात्रों जो एकजुट हो रहे हैं उनको तोड़ने का जो एक आंदोलन को, हमेशा जब बड़े आंदोलन बड़ा स्वरूप लेता है तो उसको तोड़ने की युवाओं को कोशिश की गई है। तो बस मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ, ना तो हम टूटने वाले नहीं हैं, ना हम झुकने वाले हैं, और हम एकजुट होकर लड़ने वाले हैं। और अगर आज MPPSC का रिजल्ट आ गया तो मैं यहाँ से इस मंच से भी एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे MPPSC के अलावा जो व्यापम है, SI है, कॉन्स्टेबल है, जितने भी और समस्त विभाग है, उन सब की मांगों को लेकर भी हम लड़ रहे हैं। जिस तरह से हम इतनी ताकत से लड़े और आज MPPSC का 8 दिन में लिया है, ऐसे ही में मेरे जो व्यापम और जो SI कॉन्स्टेबल सबकी तैयारी, उन भाइयों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस लड़ाई को और धार दीजिए कि अब आपकी बारी है। अब व्यापम और इन सारी जो दूसरी परीक्षाएं हैं, जो दूसरे पद खाली है, उनको लाने की बारी है। तो अब हमारा आंदोलन जो 2 तारीख से चलने वाला है, हम लोग अभी 1 तारीख तक तो क्रमिक अनशन पर है, 2 तारीख से हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक भर्ती सत्याग्रह का पैदल मार्च होने वाला है। पाल में आएंगे और CM को बता के आएंगे कि ये हमारे दम पर लड़ाई लड़ी है और हम ये रोजगार लेकर आना चाहते हैं, हमें हमारा रोजगार चाहिए। जो मध्य प्रदेश में 3 लाख पद खाली है जो आपने आज फेंका, इससे कोई 3 लाख युवाओं की मांग पूरी नहीं हो रही है। और जो हम 58 वर्ष की आयु की जो बात कर रहे हैं, वहाँ 10 लाख लोग और रोजगार मिलेगा, तो उन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। बेरोजगार भत्ते की मांग, रोजगार आयोग बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें हर साल 10% के हिसाब से नौकरियां निकलती रहे और एक कैलेंडर फिक्स हो, एग्ज़ाम फिक्स हो, इंटरव्यू फिक्स हो और उन बच्चों की ज्वाइनिंग फिक्स हो, ताकि हर तरीके से उनकी बच्चों की मांग रखी जाए। जो व्यापम और ये जिस तरह के भ्रष्टाचार होते, इसकी भी हमने मांग रखी है कि SIT CBI से 3 महीने में जाँच हो और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको, जो सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे पहले उसको सजा मिले, वो अपने परिवार नॉन अवेलेबल हो, उसको परिवार का मुंह तक ना देख पाए, इस तरह की सजाएं मिले, ताकि जो ईमानदार गरीब का बच्चा है वो अधिकारी बने। जब गरीब और ईमानदार बच्चा जब अधिकारी बनेगा तो प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा। राधे जी बताइए, जैसे 2 तारीख से आप पैदल मार्च की बात कर रहे हैं, 2 तारीख से पहले अगर सरकार की तरफ से, व्यापम की तरफ से जो भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाएं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से युवाओं को कि भाई ये ना करें, ऐसा भी आपको लग रहा है कि कर सकते हैं? ये सब कुछ करेगी, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे ये आंदोलन की ताकत दिख रही है। आपने इंदौर की सड़कों पर देखा, 15,000 युवा सड़कों पर था, अनुशासित था। ये क्या सोच रहे थे कि जैसे युवा रोड पर आएगा तोड़ फोड़ करेगा और हम इसको तोड़ देंगे, लेकिन युवाओं ने इनको गांधी जी वाली वो परिभाषा सिखा दी। हमने आग्रह कर रहे हैं, हम आज अपने आप को तकलीफ रखते हैं, हम अनशन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन पे आज 4th दिन हो जाएगा हमको, हम क्रमिक अनशन पे हम पैदल मार्च कर रहे हैं। तो युवाओं ने भी समझ गए हैं कि ये जो प्रोपोगंडा फैलाते हैं, उल्टे सीधे जो बदनाम करते हैं आंदोलन, वो बदनाम नहीं होगा। सारे आंदोलनों को देखा है और अलग अलग जब भी युवा गए, इन्होंने उनको तोड़ने की कोशिश की और ये बड़ा आंदोलन है, ये बड़ा स्वरूप लेगा। और 2.5 करोड़ युवा है जो इस बार रोजगार वोटिंग करने वाला है, तो इस मध्य प्रदेश सरकार को कोई भी पक्ष हो या विपक्ष, उसको समझना पड़ेगा कि वो 2.5 करोड़ युवाओं को निराश नहीं कर सकता। जो भी बात होगी कॉन्क्रीट बात होगी, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है और 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो हमें 4 महीने में ही रोजगार चाहिए। हम वो वाला जो है कि इसके चुनाव हो गए और ये 5 साल फिर बेवकूफ बना, वो झुंझुना नहीं पकड़ने वाले। झुंझुना हमने पकड़ा है युवाओं ने कि हमें रोजगार चाहिए, जो हमने बात रखी है, मांग पत्र पूरी होगी, उसके बाद ही आंदोलन पीछे होगा, नहीं तो इसका खामियाजा पक्ष और विपक्ष दोनों को इसलिए भुगतना, दोनों को बेरोजगार करेंगे।
नोटा दबाएंगे। 2.5 करोड़ युवा हैं और उनके परिवार हैं, तो आप सोच लो 7-8 करोड़ में मल्टीप्लाई होगा। एक घर में 5 परिवार तो है, और यहाँ इंदौर में जितने भी युवा ना, एक जिले का नहीं, हर जिले से 52 जिले के युवा हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस आंदोलन का। वो बहनें भी आई हैं पूरी, वो कह रही हैं मूँगफली में दाना नहीं और शिवराज आप हमारे मामा नहीं, तो ये सारी बातें चलने लगी है। तो अब इस सरकार को समझना पड़ेगा, युवाओं को आप बेरोजगार नहीं रख सकते हो। अगर युवाओं को बेरोजगार रखा तो आपको बेरोजगार रख देंगे, इसलिए सरकार को सीधी चेतावनी, झुंझुने ना पकड़ाए, जो भी करे कॉन्क्रीट काम करे। हम बार बार बात करने की बात करें, हम आपके माध्यम से भी गिरिराज जी यहाँ से कह रहे हैं सरल टॉक के इस मंच से भी कि हमसे बात करें, हमारे मुद्दे सॉल्व करें। ना तो हमें किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। हाँ, सरकार से सीएम ही बात कर सकते हैं, सीएम ही मुद्दे सॉल्व कर सकते हैं। आज घोषणा सीएम ने की ना, तो ये सारे नोटिफिकेशन सीएम सीधी बात करें, संवाद करेंगे, मुद्दों के हल निकलेंगे। और हमें कोई युवा है, हम आग्रह कर रहे हैं, हमें लड़ाई का कोई मूड नहीं है। 2 तारीख तक अगर ये सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं तो हम लोग पैदल मार्च नहीं निकालेंगे, नहीं तो पूरे भोपाल की हवा जाम होने वाली है, सांसें रुकने वाली है, और जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो बंद होने वाली है। जब 9 तारीख को होंगे तो किस दिशा से कितने युवा आएंगे ये सरकार गिनती लगाना मुश्किल हो जाएगी, और युवाओं को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगी। और सरकार की जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो आह्वान कर चुके हैं, अब युवा किस रूप में आएगा, हम अनुशासित चल रहे हैं, लेकिन आप इतना बड़े युवा वर्ग को अगर ऐसे हतोत्साहित करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की, चेतावनी भी है, आग्रह भी है, जिसे समझना चाहे सरकार समझ ले। राहुल ठाकुर। राहुल जी, ये बताइए कि कई बार होता है कि नोटिफिकेशन आ जाते हैं, भर्तियां आ जाती हैं, लेकिन समय बड़ा लग जाता है। अगर आ भी गई, रिजल्ट भी आ गया, तो तुरंत उसमें कुछ ना कुछ नुस्ख निकल आएगा तो रुक जाएगा, कोई घोटाला उजागर हो जाएगा, तो ये भी एक अपने आप में समस्या है कि चलो भर्ती दे दी, लेकिन वो नियत समय में हो पाएगी क्या, क्योंकि विधानसभा जो है आने वाले समय में चुनाव जी। इसका जिम्मेदार तो शासन ही है, क्योंकि बीच बीच में घोटाले भी सामने आए हैं। 2017 में जो व्यापम की भर्ती हुई थी उसमें व्यापम घोटाला भी सामने आया था, फिर अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे नोटिफिकेशन आया, MPPSC के पेपर हुए, तो अभी तक उनका भी कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और जो आरक्षण का मुद्दा है वो कंटिन्यू अटका हुआ है, उस पर सरकार सॉल्व ही नहीं कराना चाहती है। सरकार की नियत ही नहीं है कि हम वैकेंसी दें। सरकार ने जैसे यदि उसके निगम के जो चुनाव थे, पंचायत चुनाव, उसके लिए सरकार 2 दिन में कोर्ट से ऑर्डर लाती है सुप्रीम कोर्ट से कि हमको चुनाव कराने हैं, और वो चुनाव करवाती है 2 दिन बाद। और जो OBC आरक्षण का मुद्दा है पिछले 3 साल से कंटिन्यू अटका हुआ है, ना तो सरकार की नियत है उसको सॉल्व कराने की। आयोग सरकार के ऊपर रख देता है कि सरकार नहीं कर रही है, और सरकार आयोग के ऊपर रख देती है कोर्ट के ऊपर कि माननीय कोर्ट का अब तक निर्णय नहीं आएगा। क्या नाम है और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर, मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ। व्यापम की जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में MPTET का जो पेपर हुआ, सबने देखा, वायरल स्क्रीन शॉट थे, जांच हुई, मैप IT ने जांच की, उसके बाद कहा कि हम फिर से जांच कराएंगे, हमें विश्वास नहीं है, और एडुकेटी जो परीक्षा एजेंसी करा रही थी उसको क्लीन चिट दे दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, चलिए रोजगार तो है ही, मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा ये भी है कि जो ईमानदारी से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि अधिकारी तो बस सेटिंग वालों को करवाने के लिए बैठे हुए हैं। सर, मैं तो पिछले 5-6 साल से यही देख रहा हूँ। 2017 में व्यापम घोटाला सामने आया था और अभी फिर से मतलब सामने आया है। सर, मैं 2016 में यहाँ पर आया था, मुझे 6 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते, लेकिन एक भी वैकेंसी हाथ नहीं लगी है। मैं 2016 में आया तो 2017 में मैंने MP पुलिस का एग्ज़ाम दिया और MP पुलिस में एक नंबर से मैं मेरिट आउट हूँ। 2017 के बाद आज 2022 हो गई है, 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला व्यापम का। लास्ट टाइम 2017 पे व्यापम के एग्ज़ाम निकले थे, 2020 में फिर से उनने MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाला, 2020 में हमने फिर से फॉर्म भरा MP पुलिस का, 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ, 2022 से हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में भी 76 मार्क्स आए हैं। इसके बाद हमारा फिजिकल में नाम आया, हम फिजिकल भी दे के आए हूँ और फिजिकल भी क्वालिफाई हैं, लेकिन इसके बाद आज तक उनका मेरिट लिस्ट नहीं आई है, फाइनल लिस्ट। तो सर, बहुत परेशान है सर, 6 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन एक छोटी सी नौकरी नहीं मिल रही है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा धीरज है। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि जितने समय में आप लोगों की भर्तियां होती हैं, अधिकारियों, क्या ऐसा कोई उपाय है, क्या अधिकारियों की जो वेतन है वो समय पर आता है, वो भी आपकी भर्तियों के बराबर आए, कि जो सैलरी आ रही है तो उनको एहसास होगा इस चीज़ का? सर, बिल्कुल एहसास होना चाहिए उन लोगों को, सर करना चाहिए। हम लोग सर बहुत ही परेशान रहते हैं। बताइए, मैंने सर दिल्ली में रह के पढ़ाई की है, HSC का 16 और 17 का मेंस दिया है, फिर मैंने 17 पटवारी दिया, मैंने कहा व्यापम का दे लें, उसके बाद कोई पेपर देने को नहीं मिला, पर MPTT का दिया, 106 नंबर हैं, उसमें भी लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। अभी भोपाल में 2-3 बार आंदोलन हो चुका है MPTET का, 51,000 भर्ती का, मतलब कम से कम 1.5-2 लाख पद ही खाली हैं।
बाकी ये बोल रहे हैं कि 17 और 18 हज़ार भर्ती करेंगे और ये भी मतलब अपनी मनमर्जी हो रही है, और ये भैया भी बैठे हैं इनके भी 17 नंबर, इनका मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, और मतलब 24 साल के थे 28 के हो गए हैं, कोई पेपर देने को नहीं मिल रहा, बताइए बस यही जा रहा है पूरा दिन, पढ़ें और बैठें पढ़ें बैठें, मतलब कुछ हो ही ना रहा है। और मैं तो उसको जिम्मेदार केवल शिवराज को ही मानूंगा, क्योंकि हमने उनको हर तन मन धन से लगा के उनको मतलब जीवो करवाई जीत करवाई है, लेकिन आज ये स्थिति है कि बस काटने में लगे हमें। क्या नाम है आपको, किस चीज़ की तैयारी कर? जी मेरा नाम धीरज कुमार पांडे है। किस चीज़ की? मैं तैयारी टीचिंग की कर रहा हूँ, मैंने एमपी टेट में भी एग्ज़ाम दिया है, मैं वर्ग एक का एग्ज़ाम दिया था 2018 में, जो भर्ती आई थी उसका 2019 में एग्ज़ाम हुआ उसको दिया, वर्ग एक भी क्वालिफाई रहा, वर्ग दो भी क्वालिफाई रहा, आफ्टर दैट अभी तक उसमें सिलेक्शन का कोई प्रोसेस पता नहीं चल पाया है, DPI में भर्तियां उलझी हुई हैं, उसकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो रही है, वर्ग एक में अपना नाम आने की संभावना है जो, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, साथ ही वर्ग दो में क्वालिफाई रहा लेकिन मेरिट से शायद उसमें बाहर रहूँगा क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत कम हैं, क्वालिफाई हुआ एग्ज़ाम तो लगभग 97 नंबर हैं अपने, तो उसमें होना नहीं है, लेकिन वर्ग तीन में भी मेरे 117.69 नंबर हैं और उसमें अच्छा रैंक भी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि भर्तियाँ इतने पद खाली हैं अपने पूरे मध्य प्रदेश शासन के पास, लेकिन कोई शासन को का मतलब कुछ जनता का कोई अता पता नहीं है, बस उनका अपना कार्य से मतलब है, वो हमारा उपयोग कर रहे हैं, हम लोग उनको चुनते हैं, उनके माध्यम से अपना कुछ जो है तो समाज का भला करने का कार्य करने के लिए उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ वो छल करते हैं। क्या नाम है आप? स्वप्निल गुप्ता। ये बताइए आप आंदोलन पर कितने दिन से बैठे हुए हैं और क्या आपका उद्देश्य? पिछले मैं 7 डेज से बैठा हुआ हूं और मेरा मेन मोटिव इस सत्याग्रह में बैठने का ये है, जो मध्य प्रदेश सरकार होती है, जो 29-28 राज्य है उनमें, ये जो एक मध्य प्रदेश राज्य है इसमें जो वैकेंसियां निकलती हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वैकेंसियां निकलें, कोई जुमलेबाजी ना हो, जैसे ये मैं ना केवल PSC की बात करने वाला हूं, मैं साथ में PB को भी लेना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों वैकेंसियां होती हैं, इसमें कोई भ्रष्टाचार हो जा रहा है, कभी लेट लतीफी हो जा रही है, जैसे PSC में आप 19 का देख लीजिए, 19 में प्रीदिया मेंस दिया, इंटरव्यू कॉलिंग हुई, मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये रिजल्ट दोबारा ही कराना था, सारा कुछ मैटर दोबारा ही करना था, फिर आपने ये 20 और 21 के एग्जाम क्यों लिए? आप 19 को क्लियर करते पहले, फिर ये 20 और 21 का लेते, आप एक भर्ती करा नहीं पा रहे हैं तो ये जो प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे आपने 19 में दिया, अगर 19 में सब लोग सेलेक्शन होकर के नौकरी पा चुके होते तो ये 20-21 का कोई एग्जाम नहीं देता, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा मामा से कि आप ये जो 1 लाख पद की जुमलेबाजी करते हैं, आप 1 लाख मत दीजिए, आप 50,000 दीजिए, मैं कह रहा हूँ 50,000 भी ना दीजिए, 25,000 दीजिए, लेकिन दीजिए हर साल, जिससे ये प्रतियोगिता ना बढ़े और ये बेरोजगारी ना बढ़े। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु शुक्ला है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की कि चीता आया, चीता काफ़ी हल्ला था, शोर शराबा था, पर सर चीता तो अभी आया है MP में, जंगल राज हमारे यहाँ बहुत पहले आ चुका है, सर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता, अभी भी सर हम आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप आज ये कल जो आया नोटिफिकेशन आप देखिए उसमें भी सर राजनीति है, कैसे क्या, उसमें 87% का किया गया है, 13-13% एक्स्ट्रा रखा गया है, प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, पर वो फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं देंगे जब तक कोर्ट का जो फाइनल वो नहीं आ जाता जजमेंट, ठीक है, तो वो सर कब तक आएगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है, अभी हम 3-4 साल से वेट कर रहे हैं उसका, अभी भी कितना वेट करना पड़ेगा उसका, तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, तो सर हमको फाइनल उसका चाहिए, OBC जो केस चल रहा है उसका फाइनल सोल्यूशन चाहिए, ना कि ये लॉलीपॉप चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो युवाओं के और आपके जो प्रिय भांजे भांजियां हैं उनका सवाल है कि चीतों का नाम रखना है तो दिन रात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार पर भी विचार कीजिए। यहाँ पर कई बच्चे बाहर से पढ़ने आए हैं, कोई ठेला लगाने को तो जो है मजबूर है, तो कोई समोसे की दुकान खोलने को मजबूर है, नए नए नाम समझ में आते हैं, PSC समोसे वाला तो PSC फलाहार। आपको विचार करना चाहिए कि आप जो है उस पद पर क्यों बैठे हुए हैं, अगर उसकी जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे हैं तो क्या आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, और आपका त्याग पत्र मध्य प्रदेश के हित में होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर ये जनता देख रही है तो आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश की बेरोजगारी का विलन किसे माना जाए। जो भी आप सोचते हैं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।